हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम आज 6 मार्च 2022 में गुरुग्राम शहर में आए हुए हैं और यहाँ पे एक सफाई अभियान बहुत बड़े स्तर पर आज चला हुआ है। तो उसी कड़ी में यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर जो भाई बहन है वो सेवा कार्य सफाई अभियान में लगे हुए हैं। तो उनमें से ये जो दो भाई हैं, इनमें से हम जानते हैं ये आखिर ये कहाँ से आए हैं और किसकी प्रेरणा से यहाँ पर ये सफाई अभियान में आए हैं। जी सर, आपका नाम? संजय इंसा है। हम जो है यूपी से आए हैं और हमारा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर खुर्जा पड़ता है। हम कल रात से यहाँ पे आए हैं। हमारे गुरुजी संत गुरमित राम रहीम सिंह इंसा, उनकी पावन प्रेरणाओं पर चढ़ते हुए महासफाई अभियान में जो है हम कार्य कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा पर, जैसे उनके जो मानवता भलाई के कार्य हैं, अपने 136 मानवता भलाई के कार्य हैं, उनमें से भी ये सफाई अभियान का है। तो पिताजी ने एक नारा दिया है, उनका ये नारा है कि हो धरती साफ और मिटे रोग अभिशाप। जी, जैसा आपने बताया कि सब हम रात से कल आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर किसी ने कोई पैसा वगैरह देगा या बुलाया गया है? नहीं, कोई इसी तरह का पैसा नहीं होता। सारी निस्वार्थ भावना से हम लोग सब सेवा करते हैं। बिल्कुल कोई किसी तरह का पैसा नहीं होता है। केवल ये जो हमें गुरुजी ने अपनी शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं का पालन करते हुए कोई भी किसी तरह की बीमारी नहीं आए या किसी तरह की, और लोगों को जागरूक करने के लिए कि इसी तरीका से, तो ये सारे लोग जो हैं अपनी अपनी स्वेच्छा से यहाँ सब आए हैं। जी जी, जैसे व्यक्तिगत तौर पर हम कह सकते हैं कि सफाई अभियान, ये सफाई वगैरह आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी गंदगी बढ़ती है समाज में उतनी बीमारियाँ वगैरह बढ़ती जाती हैं। तो जैसा आपको लगता है कि जैसे आप सफाई अभियान में यहाँ शामिल हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और गुरुग्राम को, एक शहर को बिल्कुल चमकाने आए हैं, तो क्या लगता है कि आपके बाद यहाँ पर यहाँ के लोगों में जो आम नागरिक हैं उनमें भी एक जागरूकता आएगी सफाई के प्रति, वो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें अपने आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए? ये बिल्कुल, पिताजी ने जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने इस बारे में बिल्कुल बोला है कि लोगों को हमें जागृत करना है और उन्हें बताना है कि अपने आसपास में हमें सफाई जरूर रखनी चाहिए, जिससे कि कोई भी बीमारी या कोई भी किसी भी तरह की यानी कि भावना पैदा ना हो। तो इसलिए सभी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो आसपास में सभी लोग अपने अपने बिल्कुल साफ सफाई रखे करें। जी, जैसे आप, हम जानना चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल तौर पर अपना आप करते क्या, कुछ काम करते हैं? मैं बिजनेस करता हूं और मेरा खुर्जा के अंदर साड़ी का शोरूम है और 3 मंजिल एसी साड़ी का शोरूम है। सारी साथ संगत बैठी हुई है, इनके सामने काफ़ी वर्कर काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है, केवल सेवा की जो भावना है जो हमारे गुरु जी ने हमारे अंदर सिखाई है। तो ये नहीं है कि आज हम ये मतलब व्यापार वाले हैं या बिजनेस वाले हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ ये है कि जो पिताजी ने मुहिम चलाई है उसके लिए हम सब जो हैं सेवा करते हैं। जैसे जो आह्वान गुरुजी के द्वारा आज हुआ है उसी को आप मानकर यहाँ पर चले आए हैं, अपना जो व्यापार वगैरह उसका भी आपने ख्याल नहीं करा और केवल एक सेवा की भावना के तहत आप यहाँ पर इस शहर में आए हैं और यहाँ पर सब आए बहन कर रहे हैं जी। तो यही मकसद आपका है? बिल्कुल यही है जी। बहुत सारी अपने ब्लॉक से बस आई हुई है, अपनी बस से मतलब यानी कि अपने सब लोग साथ संगत जो होती है अपना पैसा खर्च करती है और सारा कुछ, यानी कि सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ये है, अपने पैसे से ये लोग अपना काम छोड़ के सारा चीज़ छोड़ के आपके गांव को मतलब गुरुग्राम को साफ करने के लिए आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। हमें भी अच्छा लगा कि आप सफाई के प्रति इतनी जागरूक हैं और वाकई में जो आपके जो संत जो गुरु जी हैं वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो आगे भी ऐसे काम आपके संस्था के द्वारा होते रहने चाहिए, इनसे वाकई में समाज में एक बदलाव आएगा और सफाई के प्रति लोग आप जागरूक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।